गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु ग्लैमर ग्लॉस। एंड मैं हूँ रितु। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। बस मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, उसके बाद लंच की प्रिपरेशन करेंगे। तो गाइस, कैसे हो आप लोग बताओ? गर्मी काफी ज्यादा है ना, मुझे खुले हेयर में और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। अभी जस्ट मैंने हेयर वॉश किया था, तो मेरे हेयर में क्या होता है, ऊपर से वो सूख गया है पर अंदर से वो बिल्कुल गीला है, तो मैं अभी इसे पूरी बन नहीं बना सकती, तो गर्मी झेलना पड़ रहा है मुझे। और बताओ क्या चल रहा है आप लोगों का, ब्रेकफास्ट किया कि नहीं? वेदर भी काफी ज्यादा सुहाना हो रखा है, बारिश जैसा मौसम बन के लग रहा है ऐसा कि बारिश होने वाली है, बट अभी तक हुई नहीं है। इस तरह के मौसम में गर्मी ज्यादा लगती है ना? हाँ, सो फ्रेंड्स, चल रही हूँ छत पे, दिखाती हूँ आपको बाहर का वेदर कैसा है। ये देखो, मैं आ गई हूँ अपनी छत पे। ये देखो बाहर का वेदर कितना सुहाना हो रखा है, बारिश जैसा मौसम बना हुआ है। ये देखो, तो गाइस, आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ करेले की कलौंजी, मतलब करेले में मसाला भरा हुआ। तो आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी, तो चलिए मिलते हैं रेसिपी, देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है रेसिपी। तब तक के लिए बाय। सो गाइज, मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ करेले की कलौंजी। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 करेला लिया है, उसे मैं इस तरीके से बीच में कट कर लूँगी। इस तरीके से कट करना है सारे करेलों को बीच में, देखिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने करेले में पानी डाल के उसमें हल्दी डाल दिया था, और उसके बाद मैंने उसे बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। देखिए इस तरीके से बॉयल होना चाहिए दोनों तरफ से, आप इसे बीच बीच में पलटाते भी रहिएगा ताकि आपका बॉयल अच्छे से हो जाए। ये देखिए मैंने पलटा दिया है सारे करेले को, आपको इस तरीके से पलटाना है जिससे सारा करेला अच्छे से बॉयल हो जाए। ये कुछ इस तरीके से बॉयल हो गया मेरा करेला, अब मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगी। इसके लिए आपको लेना है 4 से 5 प्याज, और ये जो करेले के अंदर जो सारे बीज होते हैं ना, वो आपको निकाल लेना है क्योंकि इसी में मसाला भरा जाता है। ये सारे बीज को इस तरीके से निकाल लेना है क्योंकि स्टफिंग के लिए रेडी होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे सूखे मसाले ले रही हूँ, इसमें मैंने जीरा लिया है, लहसुन लिया है, प्याज लिया है, और 4 से 5 हरी मिर्च लिया है मैंने। इन सभी को पीसना है, इन सभी मसालों को मैं पीस लूँगी एक ग्राइंडर मशीन में। ये देखिए मैंने सभी मसालों को पीस लिया है, उसके बाद मैं एक कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दूँगी। ये कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए मैं उसमें डाल दूँगी सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ तो मैंने वही डाला है। उसके बाद मैं डाल लूँगी थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा भी डाला है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर दूँगी, सभी मसाले को मैंने ऐड कर लिया है जो भी मैंने अभी पीस के रखा था। उसके बाद हमें इसे अच्छे से पकाना है, सारे मसाले को हमें अच्छे से पकाते रहना है। मसाला हमारा जितना अच्छा पकेगा, हमारा जो करेला, जो कलौंजी है ना, वो बहुत अच्छे से बनेगी।
वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल सकते हैं। आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला पाउडर। इसके बाद मैं अपने मसाले को अच्छे से पका लूँगी, जब तक ये पूरे किनारे से तेल नहीं छोड़ने लगे तब तक ये मसाले को पकाना है आपको। जब मसाले पूरी तरह से किनारे से तेल छोड़ने लगे तो समझ जाइए आपका मसाला पक चुका है। और ये देखिए मेरा मसाला पक गया है, थोड़ा सा और पकना बाकी है। ये देखिए मेरा मसाला पूरी तरह से पक गया है। अब आप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस। आप इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या आम का अचार या आम की खटाई जो भी आप बोल सकते हैं आप उसे ऐड कर सकते हैं, उससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो गाइस ये मेरा मसाला स्टफिंग के लिए तैयार हो गया है। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद अब मैं उसी कढ़ाई में अब सरसों का तेल वापस ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं करेले में स्टफिंग कर रही हूँ, सारे करेले में स्टफिंग कर रही हूँ मैं। ये देखिए मसाले को अच्छे से डालना है करेले में। ये देखिए सारे करेलों में मैंने स्टफिंग किया हुआ है। अभी इसे मैं फ्राई कर रही हूँ, आपको इसे अच्छे से फ्राई करना है। आपको इसे बीच बीच में पलटाते रहना है, पूरी अच्छे से फ्राई करना है, जब तक दोनों पार्ट मतलब दोनों साइड अच्छे से फ्राई होना चाहिए तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है, नहीं तो वो कच्चापन रह जाएगा उसमें। ये देखिए मैं इसे पलटा रही हूँ, सारे करेलों को इस तरह से पलटाना है। और ये मेरा कलौंजी तैयार है। किसको किसको खाना है आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अभी चल रही हूँ मार्केट, कुछ काम है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पहुँच चुके एक मॉल में। यहाँ पे जो भैया खड़े हैं ना, ये गेट पे सैनिटाइज़र दे रहे थे और वो थर्मल स्कैनिंग भी कर रहे थे, बट मैंने वो प्रोसेस करवा लिया था। मैं 2 मिनट के लिए वापस फिर से बाहर आई थी तो मैंने वो करवाया था। तो उसके बाद देखिए मैं जा रही हूँ ऊपर, जो जो भी मुझे सामान चाहिए था मुझे वो लेना है। अभी देखिए खास करके इन सब जगहों पर भीड़ बहुत कम है, देखिए देख सकते हैं, नहीं तो इन सब ऐसे जगह है ना जहाँ पे हमेशा इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी। देखिए अभी भीड़ आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बहुत कम लोग आपको नज़र आएंगे, ये देख सकते हैं। Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? और ये मैं अब चल रही हूँ वापस। मुझे जो चाहिए था मुझे मैंने ले लिया है। हेलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं मार्केट से आ रही हूँ, काफ़ी थक गई हूँ यार। और बताओ क्या चल रहा है? काफ़ी लेट लग गई मार्केट में, लोग 2-3 बजे हार्डली निकले थे, अभी बज गए हैं शाम के 6। बहुत लेट लगे, काफ़ी थक गई हूँ। तो नहीं उठाया यार।
और बताओ क्या हो रहा है? देखो अंधेरा आ रहा है। पसीना कितना हो गया है देख सकते हो यार। ये लाइट हो क्या हो गया? जल नहीं रही। अप डाउन हो रहा है। देखो पकड़ के रखे हैं तो पैंट्स चलती हूँ थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। वैसे मैंने मार्केट से आई हूँ तो अपना जो नियम कानून है जो रूल्स है वो मैंने फॉलो कर लिए हैं। मैंने अपने हैंड को सैनिटाइज कर लिया है अपने वैसे पैर हाथ को मैंने धो लिया है लेकिन फिर भी अब ये ड्रेस चेंज करके नहा लूँगी। देख सकते हो कितना पसीना भी आ गया है और टाइम भी कोरोना का चल रहा है तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है तो नहा के थोड़ा फ्रेश लगेगा तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ नहा लूँगी। इसके बाद शायद ब्लॉग का एंड कर दूँ या ना करूँ देखती हूँ क्या होता है। ठीक है तब तक के लिए बाय।